दोस्तों स्वागत है आप सभी का जीएसटी के एक और नए वीडियो में। कंपोजिशन स्कीम का फोर्थ वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न्स के बारे में। क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, कौन से फॉर्म आपको फाइल करने पड़ते हैं, रिटर्न कौन सा आपको फाइल करना पड़ेगा अगर आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो। इसके पहले मैंने तीन वीडियोज आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं इस चैप्टर के, जिसमें कॉन्सेप्ट की बात करी है, कंडीशंस की बात करी है, ठीक है, साथ में मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात कर ली है। तो अगर आपने पिछले वाले वीडियोज नहीं देखे हैं तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप जाकर के वहां पर देख सकते हो सारे पिछले वीडियोस। अब देखिए, जब हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन आपको किस तरीके से करवाना है या फिर कब आपको करवाना है या फिर आपका रजिस्ट्रेशन कब से इफेक्टिव होगा अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, तो यहाँ पर दो तरीके के रजिस्ट्रेशन होते हैं। एक और होता था माइग्रेटेड वाला, लेकिन अब वो रेलिवेंट नहीं है हमारे लिए। माइग्रेटेड का मतलब, माइग्रेटेड टैक्स पेयर का मतलब होता है जो पिछले टैक्स रिजिम में रजिस्टर्ड थे वो लोग अब जीएसटी में स्विच कर रहे थे, क्योंकि 2017 के बाद में जब जीएसटी आ गया तो वहां पर जीएसटी में उनको माइग्रेट करना था, तो वो होता था माइग्रेटेड टैक्स पेयर के लिए। तो वो हमारे लिए अब रेलिवेंट नहीं रहा क्योंकि अब हम लोग 2023 में एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे दो तरीके के आपको रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेंगे, एक तो न्यू रजिस्ट्रेशन, दूसरा रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। मान लो मैंने जस्ट बिजनेस अपना स्टार्ट किया है, ठीक है, मैंने जस्ट अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया है इसी फाइनेंशियल ईयर में, तो मैं कब एक्सरसाइज कर सकता हूँ ऑप्शन को कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए? तो आपको पता है कि जैसे ही मैं एलिजिबल हूंगा, मेरी एग्रीगेट टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, तो 40 लाख की अगर मान लो मेरी लिमिट थी और ये 40 लाख मैंने एक्सीड कर दिया, मान लो 2022 का चला था, 22 से लेकर 23 का फाइनेंशियल ईयर चला हमारा, अप्रैल 22 से लेकर के दिसंबर 22 तक, या फिर ले लेते हैं सेप्टेम्बर, चलो ठीक है, सेप्टेम्बर 22 तक मैंने अपना 40 लाख रुपए का टर्नओवर एक्सीड कर लिया। इसका मतलब सितंबर से जैसे ही मैंने अपना 40 लाख रुपए का एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड किया, तुरंत मैं लायबल हो गया रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। अब जब मैं लायबल हो गया हूँ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो मेरे पास में दो ऑप्शन रहेंगे, या तो मैं नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा या तो मैं अपना कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर मैं रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर अगर आपको जानना है कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन आप करवाते हो, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लिंक मैं उसका उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा प्लेलिस्ट का पूरा, वहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वहां पर आप अपना प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन वाला वीडियो जाकर के ढूंढ लेना। उसमें मैंने डिटेल में कवर किया है कि क्या प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन करवाने का, सिमिलर इसका भी होता है कॉम्पोजिशन स्कीम का, तो ज्यादा इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। खैर, जब सेप्टेम्बर में लायबल हुआ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो मेरे पास में दो ऑप्शन थे, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन या फिर कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर में रजिस्ट्रेशन। तो जो भी मैं रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ उसमें मैंने आपको बताया था कि पार्ट ए एंड पार्ट बी दो रहते हैं। पार्ट ए में आपका वही आता है कि आप अपने आप को रजिस्टर करते हो, ईमेल आईडी डालते हो और अपना वो सब फोन नंबर वंबर डाल करके अपने आप को रजिस्टर करते हो वेबसाइट पे, उसके बाद फिर आप अपनी बाकी की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करते हो, मतलब पार्ट एक तरीके से ऑथेंटिकेशन वाला होता है। उसके बाद पार्ट बी में आप अपनी कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करते हो, प्लेस ऑफ बिजनेस बताते हो और बाकी की जितनी भी डिटेल, मोड ऑफ बिजनेस बताते हो, सारा कुछ अपनी डिटेल पार्ट बी के अंदर में आप देते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो पार्ट ए तो आपको करना ही करना पड़ेगा, ये चाहे आप नॉर्मल कराओ चाहे आप कॉम्पोजिशन स्कीम में कराओ, दोनों में सिमिलर रहेगा, जहां पर आप अपनी मेल आईडी या फोन नंबर इन सबको ऑथेंटिकेट करते हो, पैन नंबर को अपने ऑथेंटिकेट करते हो, तो ये आपने कर दिया पार्ट ए। अब जब पार्ट बी की बात आती है, जिसमें आप अपना प्लेस ऑफ बिजनेस, कितना आपका कैपिटल लग रहा है, ये सब आप पूरी डिटेल देते हो वहां पर, तो पार्ट बी में ही जब आप कर रहे हो, फिल कर रहे हो उसको, तो वहीं पर आपको इंटीमेट कर देना है पार्ट बी ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01, तो ये वाला फॉर्म आप फाइल करते हो इसके पार्ट बी में, ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के पार्ट बी में आपको ये बता देना है कि सर हम कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन अपना करवाना चाहते हैं, हमको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। तो जैसे ही आप अपना ये करोगे, उसके बाद सारी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगी, सब कुछ होगा, और जब सब वेरीफाई हो जाता है तो आपको रजिस्ट्रेशन वहां पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, और जिस डेट से आपका रजिस्ट्रेशन की डेट होगी, मतलब इफेक्टिव होगा, उसी डेट से हम मानेंगे कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर में रजिस्टर हो गए हो, ठीक है। तो ये होता है हमारा न्यू रजिस्ट्रेशन का केस, जहां पर आप अपना स्टार्टिंग में फॉर्म फिल करते टाइम ही पार्ट बी के अंदर में इंटीमेट कर देते हो कि हमको कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर कर लो, और आपका जो इफेक्टिव डेट होगा कॉम्पोजिशन लेवी का, वो रजिस्ट्रेशन की डेट आपकी होगी। इसके बाद दूसरा हमारा आता है रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन लेवी। ऐसे पर्सन जो ऑलरेडी जीएसटी के अंदर में रजिस्टर्ड थे, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन उन्होंने अपना करवा रखा था, अब उनको कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो वो किस तरीके से करवाएंगे? तो इनको इंटीमेट करना पड़ेगा जीएसटी CMP 02 फॉर्म जो आता है, उसमें इनको इंटीमेट करना पड़ेगा कि हम अपना कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर में स्विच करना चाहते हैं, ठीक है। नॉर्मली रजिस्टर्ड ही ऑलरेडी थे, ऊपर वाला अगर आप देखोगे तो ये लोग रजिस्टर्ड ही नहीं थे, ये लोग फ्रेश अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। दूसरे होते हैं वो जो कि अपना ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करवा चुके थे, अब ये क्या स्विच मारना चाहते हैं कि इसमें कॉम्पोजिशन स्कीम में, तो इनके लिए जो फॉर्म है वो है CMP, जीएसटी CMP 02, और इनका
जो रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा वो कब से होगा? बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से। जैसे मान लो कि 2021 से लेकर के, या ये ले लेते हैं चलो 22 से लेकर के 23 में एक पर्सन ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, उसने अपना नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करवा रखा था 22 से 23 का फाइनेंशियल ईयर जो हमारा चल रहा है। अब इसके बाद ये चाहता है कि अगले साल इसका जो इस साल का जो एग्रीगेट टर्नओवर था वो 1.4 सीआर था। अब ये चाहता है कि हम 23 से 24 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा, मतलब जो आगे आने वाला फाइनेंशियल ईयर है, उसमें हम कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर करवा दें क्योंकि हमारा एग्रीगेट टर्नओवर तो 1.5 करोड़ से कम है। तो गवर्नमेंट कहेगी ठीक है करवा लो, आपका जो रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होगा आप इंटीमेट कर दो हमको जीएसटी सीएमपी 02 फॉर्म में, और हम आपको जो रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेंगे वो बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से करेंगे, यानी कि अप्रैल 2023 से हम आपका रजिस्ट्रेशन अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम कर देंगे। तो ये होता है रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर, बहुत शॉर्ट में मैंने कवर किया है क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक ये नहीं है और आपके एग्जाम में इतना ज्यादा इसे डिटेल भी पूछी नहीं जाएगी, तो बस आप इतनी डिटेल याद रखो बहुत आपके लिए। इसके बाद आता है रिटर्न कौन कौन से फाइल करने। अब आपको मैंने जब स्टार्टिंग करी थी चैप्टर की तो मैंने आपको बताया था कि कॉम्पोजिशन स्कीम में गवर्नमेंट आपके लिए कंप्लायंसेस बहुत कम कर देती है, जीएसटी रेट बहुत कम कर देती है, तो कंप्लायंसेस में ही आपका आता है एक रिटर्न फाइल करने वाला। अगर आप नॉर्मली रजिस्टर्ड हो तो आपको मंथली रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर एनुअल रिटर्न आप फाइल करते हो, और मंथली में भी दो रिटर्न आप फाइल करते हो, उसके बाद फिर एक एग्रीगेट वाला हो जाता है थर्ड जीएसटीआर 3। यहाँ पर जब कॉम्पोजिशन स्कीम में आते हैं तो कॉम्पोजिशन स्कीम में हमारे पास में रिटर्न की जो फाइलिंग होती है वो काफी कम हो जाती है। जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होता था कि क्वार्टरली भी रिटर्न आप फाइल करते थे कॉम्पोजिशन स्कीम में, अब गवर्नमेंट ने वो भी खत्म कर दिया। अब गवर्नमेंट ने कहा कि आप हमको एक स्टेटमेंट फाइल कर दो क्वार्टरली बेसिस पे, क्योंकि आप जब पेमेंट करते हो आप मंथली पेमेंट नहीं करते हो, अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर हो तो आप क्वार्टरली बेसिस पे जीएसटी का पेमेंट करते हो और आप अपने आप से अपनी लायबिलिटी असेस करके वो पेमेंट कर देते हो। जो पेमेंट आपने किया है उसमें आपने बताते हो कि कितना, जो स्टेटमेंट आप प्रोवाइड करोगे गवर्नमेंट को, ठीक है, ये स्टेटमेंट होता है हमारा फॉर्म जीएसटी सीएमपी 02, कैटेगरी ऑफ पर्सन नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमारे फॉर्म्स होंगे, इसको चेंज कर लीजिएगा आप लोग, ये हमारे फॉर्म्स होंगे। तो फॉर्म जीएसटी सीएमपी 02 करके एक स्टेटमेंट आपको गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसमें आप गवर्नमेंट को ये बताओगे कि मेरा क्वार्टरली में इतना टर्नओवर हुआ था और इस पे मैंने इतना जीएसटी पेमेंट कर दिया। तो एक स्टेटमेंट कम चलान आप गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हो जीएसटी सीएमपी 02, और ये क्वार्टरली बेसिस पे आप फाइल करते हो, ठीक है, रिटर्न नहीं होता इस बहुत ज्यादा। रिटर्न और स्टेटमेंट देखिए ये डिफरेंस है कि रिटर्न में थोड़ा सा डिटेल ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ती, स्टेटमेंट में आप सिंपली बताते हो कि हमारा इतना ये टर्नओवर हुआ था, इतना हमने टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, तो बस ये आपको क्वार्टरली बेसिस पे करना है। और इसकी डेट कौन सी होगी? 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। जैसे अगर मान लो आपका अप्रैल से लेकर के अप्रैल मई जून, अप्रैल से लेकर के जून का जो क्वार्टर था इसका रिटर्न आपको, मतलब इसका जो स्टेटमेंट है वो फाइल कर रहे हैं, उसका टैक्स आपने पेमेंट कर दिया, इसका स्टेटमेंट आपको फाइल करना है। तो ये आप कब तक आपको फाइल कर देना है? तो 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर, यानी कि जुलाई, जून में खत्म हुआ, जुलाई 18 तक आपको इस स्टेटमेंट को फाइल कर देना है। दूसरा यहां पर होता है जीएसटी आर 4। अब गवर्नमेंट ऐसा तो है नहीं कि आपसे रिटर्न फाइल ही नहीं करवाएगी, तो गवर्नमेंट कहेगी कि क्वार्टरली नहीं फाइल करो, ठीक है, लेकिन साल में जो पूरा आपने जितना भी टैक्स का पेमेंट किया है उसका आप हमको एक एनुअल रिटर्न फाइल करके दे दो, जिसमें आप बता दो कि क्वार्टरली बेसिस पे आपने इतना इतना टैक्स पेमेंट किया, इतना इतना आपका रिटर्न हुआ था, इतने आपके पास में इनपुट है, जिसमें आप पूरी डिटेल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करोगे, लेकिन साल में सिर्फ एक ही बार आपको ये लेथनबाजी करनी है। अगर आप नॉर्मली रजिस्टर्ड होते तो फिर आपको हर महीने करना पड़ता, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर आपको साल में सिर्फ एक बार करना है, यानी कि आपको एनुअल रिटर्न अपना फाइल करना पड़ेगा जिसमें आप कंसोलिडेटेड डिटेल प्रोवाइड करोगे ऑफ क्वार्टरली रिटर्न फाइल्ड अलोंग विद द टैक्स पेमेंट डिटेल, कितना आपका रिटर्न बना क्वार्टरली बेसिस पे, कितना आपने टैक्स पेमेंट किया, ये सारी डिटेल आप गवर्नमेंट को साल में एक ही बार प्रोवाइड करोगे। और कब प्रोवाइड करोगे? मैक्सिमम 30th अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर था 2022 से लेकर के 23, ठीक है, 22 से लेकर के 23 हमारा फाइनेंशियल ईयर भी चल रहा है, तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा हमको, ठीक है, ये हमको फाइल करना पड़ेगा 30 अप्रैल 2023 तक। मतलब अगर आप इसमें देखो तो आपका ये जो चल रहा था वो 1st अप्रैल 22 से लेकर के 31st मार्च 23 तक, ये आपका पूरा फाइनेंशियल ईयर चला। अब इस पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो रिटर्न आप फाइल करोगे एनुअल बेसिस पे वो आपको फाइल कर देना है 30 अप्रैल 2023 तक। ये थोड़ा बहुत चेंजेस हो, मतलब इसमें डेट में चेंज कर देती है गवर्नमेंट, कई बार रिलीफ दे देती है कि थोड़ा दिन का टाइम दे दिया, एक दो महीने का और एक्सटेंशन दे दिया, तो वो इतना रेलिवेंट नहीं है, वो आप जाकर के ऑनलाइन चेक कर लेना। लेकिन जो
हमेशा यहां पर अगर एक डेट देखेंगे तो आप 30 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा कौन सा था, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर था 23 से लेकर के 24, तो 30 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर का 30 अप्रैल। तो ये होता है हमारा रिटर्न का पूरा कॉन्सेप्ट अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो यहां पर हमने रजिस्ट्रेशन की बात कर ली और रिटर्न की बात कर ली, बहुत शॉर्ट में की है। अगर कहीं पर फिर भी आपको डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।